अनुराग शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा के टॉपिक को। इससे प्रीवियस लेक्चर्स तक हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा में स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं आपके इन टॉपिक से। पहला आपका आता है विदाउट डेरिवेटिव, आप मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका विद डेरिवेटिव, आप किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका विद डेरिवेटिव के अंदर काफ़ी सारे पार्ट हैं, आपसे लोकल मिनिमा मैक्सिमम पूछ सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पूछ सकता है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट दे सकता है। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करना है, विद डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करना है एंड लोकल मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करना है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ग्राफ्स के थ्रू प्रूफ करके बताऊंगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमा विदाउट डेरिवेटिव। विदाउट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जनरली डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करते और उसे ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है मैक्सिमा एंड मिनिमा विदाउट डेरिवेटिव। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमा के लिए कंडीशन देखेंगे, फिर हम मिनिमा के लिए कंडीशन देखेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है कि हमारे पास में अगर ग्राफ है, ग्राफ अगर हमारे पास में इस तरीके से है तो उस टाइम पर ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट कौन से पॉइंट पर आया वो हमको फाइंड आउट करना, या फिर उस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट कौन से पॉइंट पर आया वो हमको फाइंड आउट करना, ये हैं आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास में, अगर मैं मैक्सिमा की बात करती हूँ विदाउट डेरिवेटिव, तो अगर हमारे पास में ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट हमने मान लिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर था मैक्सिमम पॉइंट। तो ग्राफ हम बना रहे हैं वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी कितनी, एफ ए, क्लियर है। तो अब हमारे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने मान लिया क्या आ रहा है, हमारे पास में मैक्सिमा आ रहा है और जो आपके रैंडम पॉइंट्स होंगे उनको हमने मान लिया x, fx, क्लियर है। अब हमें बताइए अगर हमारा a पे मैक्सिमा आ रहा है तो जो fa की वैल्यू होगी, fa होगा वो हमेशा ही ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है किसके, fx के। इक्वल कब होगा, जब हमारा x इक्वल हो जाएगा a के, क्लियर हुआ। एफ ए आपको हमेशा ही एफ एक्स से क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन मिलने वाला है। तो ये कंडीशन होती है आपकी मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए जो हमारा एफ ए है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होगा एफ एक्स से, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, एफ ए हो जाएगी। तो इसमें आपको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है आपको देखना होता है कि एफ एक्स छोटा किस चीज़ से है वो हमको देखना होता है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे आप लोग और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए अब हम सेकंड बात करते हैं मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए हमारा कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट हमें मिनिमा दे रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का हमारा ये ग्राफ है। तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे हमने मान लिया हमें मिनिमा मिलता है, तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा और रैंडम पॉइंट हमारे पास में हो जाएगा एफ एक्स। अब हमें यहाँ से क्या पता है, अगर ए पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलता है तो जो एफ ए होगा वो हमेशा ही एफ एक्स से छोटा होने वाला है, क्लियर है, ये हमेशा ही एफ एक्स से छोटा होने वाला है। तो मतलब क्या है, जो एफ एक्स है, जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा एफ ए के। तो हमारा एफ ए क्या है, एक मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पर हमारे पास में मिनिमम वैल्यू जाती है एफ ए। इन दोनों ही चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें आपसे बोला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विदाउट डेरिवेटिव। आपको इस वाले फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है विदाउट डेरिवेटिव। तो इस मतलब ये वाला एक पर्टिकुलर पार्ट है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें अगर आप मैक्सिमम अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम आती है तो मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। अब इसके लिए हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ के बारे में पता है। हमें इस फंक्शन के अंदर पता है कि जो हमारा होल स्क्वायर होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम इस होल स्क्वायर से लेकर के स्टार्ट करेंगे और इस तक एफ एक्स तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r।
तो हमारे पास में फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी के साइन में जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करें या फिर आप डिवाइड करें माइनस वन से, तो आपके साइन चेंज रहेंगे इनइक्वालिटी के। एक ही कंडीशन में चेंज होता है जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई एंड माइनस वन से डिवाइड कर दें। यहाँ पर हम क्या करें, माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड कर देना है टू को। जैसे ही आप दोनों साइड ऐड करेंगे आपके पास में ये चीज़ आ चुकी है। ये चीज़ क्या कंडीशन आई है कि जो एफ एक्स है हमारा वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा टू से। मतलब टू क्या है, हमारे पास में एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आ गई है टू। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विदाउट डेरिवेटिव, और हमारे पास में फंक्शन क्या है, 16x² - 16x + 28। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको जहाँ पर पता चल रहा है क्वाड्रेटिक है बट लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको सबसे फर्स्ट चीज़ देखनी होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो हमेशा वन हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा वन हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन बनाने के लिए पूरे में ओवरऑल ए से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप ए से डिवाइड करेंगे ओवरऑल, ये हमारे पास में हो जाएगा c/a = 0। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से जो x का कोफिशियंट है उसका हाफ प्लस कर, उसके हाफ का स्क्वायर प्लस कर देंगे एंड उसके ही हाफ का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b/2a का स्क्वायर प्लस करेंगे एंड b/2a का स्क्वायर माइनस कर देंगे, फिर आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर बनने लगेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमारे पास में 16x² - 16x + 28। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से इस x का कोफिशियंट बनाएंगे 1। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, x का कोफिशियंट 1 बनाएं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 28 को आप अलग ही ले लें और 16 को यहाँ से कॉमन ले लें। तो 16 को जैसे ही आप यहाँ से कॉमन लेंगे हो जाएगा x² - x + 28। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, x² - x। आपके पास में x का कोफिशियंट कितना है, 1। 1 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। इसके होल स्क्वायर को प्लस करना है एंड इसके होल स्क्वायर को हम लोगों को माइनस करना है। जैसे आप हाफ के स्क्वायर को प्लस करेंगे एंड हाफ के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो इस चीज़ को देखिए, ये हो जाएगा x² - x + ½² ये पूरी चीज़ बन चुकी है हमारे पास में x - ½² क्लियर हुआ? ये हमारे पास में आ गया है x - ½² अब जो यहाँ पर हमारे पास में माइनस का हाफ स्क्वायर एंड प्लस 28 बचा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे इंटू 16 करके, आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 24। किस तरीके से आया मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये आपके पास में 16 यहाँ पर आ चुका है x - ½² अंदर आपके पास में हो जाएगा -16 × 1/2² हो जाएगा 4, यहाँ पर चल रहा है प्लस का 28, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 16, -4 + 28 ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 24। क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ पर आपके पास में आ चुका है 16x - ½² + 24। अब हमें ये हमारे पास में क्या, हमने फंक्शन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लिया, फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेंज कर लिया। अब हमें पता है कि जो होल स्क्वायर है x - ½² वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। इसमें जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसके बाद आप इसमें 24 को ऐड कर देंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 24 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो एफ एक्स है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल हो सकता है 24 से। तो 24 क्या है, यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विदाउट डेरिवेटिव फॉर फंक्शन दिस। अब यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या है, sin 2x + 5। तो sin 2x + 5 के लिए हमें पता है कि जो 2x है हमारा वो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में लाया करेगा। तो sin 2x तो हमें पता है कि -1 से बड़ा होगा हमेशा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका चलता जाएगा हमेशा 1 से -1 के बीच में ही रहेगा। क्लियर है? तो अब हमें sin 2x के बारे में पता है, अब हमें निकालना है sin 2x + 5। तो हम तीनों ही साइड प्लस 5 कर देंगे, आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा -1 + 5 जो कि हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5 जो कि हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास में एफ एक्स 4 से 6 के बीच में लाया कर रहे हैं, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है एफ एक्स की वो है 4 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स की वो है हमारी 6। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आई होप आप लोगों को विदाउट डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि जो मॉड में वैल्यू निकल कर के आएगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करते हुए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में ये आ जाएगा। अब हमें करना है प्लस थ्री। जैसे ही आप प्लस थ्री करते हैं ये हमारे पास में हो जाएगा लेस देन इक्वल टू थ्री। तो मतलब क्या है कि जो हमारा एफ एक्स है वो हमेशा ही छोटा होगा किससे, थ्री से। तो थ्री क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे इन्हें डेरिवेटिव की हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब देखिए अगर हमारे पास में ग्राफ कुछ रैंडम चल रहा है, ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, इस तरीके से मतलब ग्राफ चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। ये है लोकल मैक्सिमा, मतलब उसके कंपैरिजन में, अपने आसपास वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ये एक मैक्सिमा है। तो ये होते हैं हमारे लोकल मैक्सिमा। मतलब इस वाले पॉइंट पे देखो, आसपास वाले पॉइंट के हिसाब से तो ये मैक्सिमा ही ना, तो ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा, ये हमारे पास में जाएगा लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से मिनिमा हमारे आसपास वाले पॉइंट के हिसाब से जो है वो होते हैं हमारे लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है वो हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है अगर हमारे पास में ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मतलब सबसे ही ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है, ये वाली आई है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये जो ये वाले हमारे पॉइंट है ये क्या है, हमारे लोकल मैक्सिमा। अपने लोकल वाले पॉइंट्स, अपने जो आसपास वाले पॉइंट्स हैं उनके कंपैरिजन में तो ये मैक्सिमा है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, पूरे ही पॉइंट के, पूरे ही डोमेन के कंपैरिजन में मैक्सिमम वैल्यू लेता है, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर हुआ। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हो गए जो अपने आसपास से मैक्सिमा पर हो। तो लोकल मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, हमारे पास में एक ग्राफ जा रहा है, ये हमारे जो ब्लैक कलर का है ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में आप देखोगे ये हमारा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्योंकि हम डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पता है कि आ रहा है लोकल मैक्सिमा आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के इधर वाली साइड, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते तो हमें पता है वो टेंजेंट कैसी मिलने वाली, हमें एक्यूट एंगल बनाती हुई दिखाई देगी। मतलब अगर हमारे पास में ये ग्राफ है, इसके हम इधर वाली साइड कैसे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या बनाएगी, एक एक्यूट एंगल बनाएगी। क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसी वाले पॉइंट के राइट साइड में टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमेशा ही एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई दिखाई देगी। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में ये ग्राफ है और इस ग्राफ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें मैक्सिमा वैल्यू मिल रही है, तो इस मैक्सिमा वैल्यू के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना करके फिर ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ आई है। टेंजेंट का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स हमें पता है अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है तो यहाँ पर मतलब टेन थीटा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है ऑब्ट्यूज। तो मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में लोकल मैक्सिमा के लिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं dy बाई dx। अब हम क्या करते हैं इस dy बाई dx को इक्वेट कर देते हैं जीरो के। जीरो के इक्वेट क्यों किया, क्योंकि हमें पता है इस मैक्सिमा वाले पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल जाएगी x एक्सिस के। इस मैक्सिमा वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल जाएगी x एक्सिस के, मतलब उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ही इक्वल टू होगा जीरो के। तो हम इसलिए dy बाई dx को जीरो के इक्वेट करके इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहां कहां पर आपकी टेंजेंट जीरो हो सकती है, टेंजेंट का स्लोप जीरो हो सकता है। तो हमने dy by dx को जीरो के इक्वल रखा, वहां से हमारे पास में एक x की वैल्यू आ जाती है a। तो अब हम क्या करेंगे उस a पर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x less than a पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एंड x greater than a पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं x less than a की बात करूं तो वहां पर डेरिवेटिव हमारे पास में पॉजिटिव आ गया, और x greater than a के लिए अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर चेंज हुआ x equals to a पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन का क्या है, लोकल मैक्सिमा है a पर। और अगर आपसे बोल दे लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो हमें पता चल चुका है कि a पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो वैल्यू हम निकाल लेंगे f ऑफ a की। क्लियर हुआ। अब देखिए लोकल मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है कि जब आपके पास में ग्राफ इस तरीके से है,
लोकल मिनिमा पे है, तो यहाँ पर जब आप ए से लेफ्ट हैंड साइड में कोई कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट हमेशा ही एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हो जाएगी, मतलब जो हमारा एफ डैश होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। एंड ए से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ आएँ तो वहाँ पर हमारे पास में टेंजेंट हमेशा ही एक एक्यूट एंगल बनाएगी और हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात करें x लेस देन ए के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, x ग्रेटर देन ए के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज आ रहा है तो फंक्शन का क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ए। तो लोकल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, मिनिमा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, एंड अगर एफ डैश एक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है तो आप बोलोगे कि वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, जस्ट एक जनरल हमने पॉइंट ले लिया है जिस पे ना मैक्सिमा है ना हमारा मिनिमा बन रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम लोग अभी आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे बोला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव। आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो भी आपका एप्लीकेबल होगा। तो हमें पता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारे पास में हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो उससे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर जब आप थ्री को लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके करेंगे फैक्टर, तो ये हमारे पास में हो सकते हैं एक्स स्क्वायर, अंदर आपके पास में फैक्टर हो जाएगा माइनस फोर आपको लाना है और थ्री के इंटरवल है, तो थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। क्लियर है? अब हम यहाँ से सबसे पहले x को कॉमन लेंगे, ये हमारे पास में हो जाएगा x माइनस थ्री, माइनस हम लोग वन को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास में वापस से आ जाएगा x माइनस थ्री, तो फैक्टर आ गए x माइनस वन एंड x माइनस थ्री। क्लियर हुआ? अब हम इस एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देंगे जीरो के, तो जब हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करेंगे ये हमारे पास में हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा एंड x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो होगा। x माइनस वन जीरो से हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू वन होगा एंड x माइनस थ्री जीरो से हम लोग कहेंगे x इज इक्वल्स टू थ्री होगा। तो x के हमारे पास में दो पॉइंट आ चुके हैं वन एंड थ्री, जहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स जीरो होगा, जहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शायद ले सकता है। कभी कभार ऐसा भी होगा आपका एफ डैश एक्स साइन ही चेंज नहीं करेगा, तो आपका वहाँ पर वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम की। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सबसे पहले x इक्वल्स टू वन के लिए x लेस देन वन और x ग्रेटर देन वन पे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। तो x लेस देन वन के लिए हम कोई भी नंबर चूज कर लेंगे, जैसे हमने लेस देन वन के लिए जीरो ले लिया। अब इस जीरो को हम लोग पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स में जब आप जीरो रखेंगे जाएगा थ्री इंटू जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमारा एफ डैश एक्स। तो x लेस देन वन के लिए एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, x ग्रेटर देन वन की मैं बात करूँ तो आप टू ले सकते हो, तो टू में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी थ्री, टू माइनस वन हमारे पास में आ जाएगा वन, टू माइनस थ्री माइनस का वन, तो ये हमारे पास में वैल्यू कैसे दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है, जब आप साइन से देखेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव पहले स्लोप था फिर स्लोप हुआ नेगेटिव, तो फंक्शन इस तरीके से होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम। अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू थ्री पे बात करूँ तो यहाँ पर x लेस देन थ्री के लिए हम लोग टू लेंगे, तो आप देखोगे कि नेगेटिव वैल्यू देगा एंड x ग्रेटर देन थ्री के लिए हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पहले हमें दे रहा है नेगेटिव वैल्यू, पहले एंगल था ऑब्ट्यूज, अब एंगल बन रहा है एक्यूट, तो मतलब फंक्शन का क्या है, लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू थ्री पे हमारा फंक्शन का लोकल मिनिमा है। आई होप आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। विदाउट डेरिवेटिव हम लोग मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, विद डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एंड हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के बारे में। अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट वी हैव क्रॉस 480 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक कर देना है, इससे क्या होगा आप लोगों के पास में सारे के सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। टिल देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू गाइस नेक्स्ट लेक्चर।